तो फाइनली सारे लोग निकल रहे हैं, हम सब लोग, मैं भी। आप नहीं जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग को बैग, हम लोग निकल रहे हैं सभी लोग एक साथ। उदास, हाँ साथ में थे ना, उदास लग रहा होगा। निक्की इमोशनल हो गई हैं। निक्की तो यहाँ पे भांजी भांजा को हम लोग पहुँचाने के लिए जा रहे हैं वाराणसी, साथ ही मेरा एग्ज़ाम भी है। तो हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपने चाचा जी के यहाँ भी जा रही हूँ, साथ ही मेरा एग्ज़ाम भी है। तो चलिए देखिए। भोजपुरी का क्रेज है भाई, हम लोग के घर में तो भोजपुरी का इतना क्रेज है कि ये लोग रोक नहीं पाते हैं खुद को। और तन्मय को भी बड़ा अच्छा लगता है भोजपुरी गाना, इनके पापा को भी। तन्वी को थोड़ा कम पसंद है, लेकिन देखिए सब लोग मस्ती करते हुए निकल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं। और देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, और बारिश हो जाए बस तो मज़ा ही आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ रुक करके हम सब लोग जो है थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं। कितना, दो बोतल है? अच्छा, एक में तीन, एक में तीन। ये नहीं पीते हैं? पीछे पूछ, पीछे पीएंगे। ये नहीं पीते, तुम पियोगे ना? मम्मी का सुखा है, मम्मी का जो दवाई है दिखा। नहीं नहीं नहीं, एक आध घूट तो ले। इतना टेस्टी है यार, अच्छा सबका फ्लेवर टेस्ट एक नहीं होता है। हाँ वही चीज का है, थोड़ा थोड़ा आप भी अलग। चाट लेके आई लड़की अंदर, ऐसे ही ऐसे ही। अरे दो यार, मैं चाट वहाँ बचा दू, दो चाट दो। मामी का स्ट्रगल देखो भाई, दीदी क्या आ गया है। और लड़की आते ही किचन में लग चुकी है, क्योंकि ब्लॉग पूरा कर दें ये वाला। और चलिए सबको दिखाती हूँ। उठो लो, है तन्वी। तो दीदी के यहाँ पहुँचने के बाद अच्छे से सबका खाना पीना हुआ, और उसके बाद सबने रेस्ट किया। बच्चे अभी सोए हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं, तो इन लोग को जगा रहे हैं जगा करके। और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए कुछ सेलिब्रिटी लोगों से मिलवाने वाली हूँ। मैं क्यों सेलिब्रिटी कर रही हूँ आगे आपको बताऊँगी। और इन लोगों को जगा करके पहले तैयार कर लो, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और चाचा जी के यहाँ जाएंगे। वहाँ मैं आपको मिलवाऊँगी दो सेलिब्रिटीज़ बच्चों से, जो कि बहुत अच्छी सिंगिंग और डांसिंग करते हैं। उधर ही से हो सकता है, जाना पड़ेगा। चलो उठो उठो, मुंह धुलो जा। तो बस ये लोग भी जग जाए, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। ठंडा हो गया पानी है। तो फाइनली गाइस अब हम लोग निकलने वाले हैं, चलते हैं। बाय से करते हैं, बाय। तो दीदी के बच्चों को पहुंचाने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब पहुँचेंगे वहाँ। तो वहाँ पे पहुँच करके फिर आपको सबसे मिलवाती हूँ। दो ऐसे बच्चों से मिलवाऊँगी जो सच में बहुत ही अमेजिंग है, मेरे कज़न सिस्टर और ब्रदर हैं। और एक सिंगिंग बहुत अच्छा करती है, सिंगिंग तो दोनों बच्चे करते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है उनका बेटा, वो बहुत ही अच्छा डांस करता है। और उसके कुछ आईडीज़ भी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हैंडल भी है, तो उस पर रील्स वगैरह बनाता है बाबू। बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप देखेंगे तो वो आने वाले दिनों का शायद बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी बनने वाला है। और बेटी तो बहुत अच्छा सिंगिंग करती है, तो गाना भी सुनाऊंगी। तो चलिए पहुंच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद चाय पानी पी करके और हम लोग सीधे स्टूडियो में आ गए हैं, क्योंकि इनको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी के चलते ये मिलने भी आए थे बच्चों से। तो ये दोनों बच्चे हैं और दोनों ही सिंगिंग भी करते हैं, और बाबू डांस भी बहुत अच्छा करता है।
तो बेटी जो है वो बहुत ही अच्छा सिंगिंग करती है, अभी उसका गाना भी सुनाऊंगी। तो आने वाले दिनों के ये लोग भविष्य हैं, भगवान करें ये लोग जल्दी वायरल हो जाएं। बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए चाचा चाची ने स्टूडियो घर में ही बनाया हुआ है, यहीं पे इन लोगों की रिकॉर्डिंग होती है और कई सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। बहुत सारे एल्बम आने वाले हैं, बहुत सारे गाने आने वाले हैं गीतांशी के, तो हम लोग वही सुन रहे थे। सही जी बंद किए हैं, सिर्फ मैं देखा था मोबाइल, म्यूट कर देंगे, खोलिए खोलिए, म्यूट कर देंगे, चलो। आज जाने की जाने की जिद ना करो, हम तो मर जाएंगे, हाय लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। चला ना जाइए, बहुत मीठी आवाज है जीजा, बुलेट वाला जीजा लगा दो। ए मम्मी काम क्यों करते जा रही है? जीजा वाला गाना लगाओ, बुलेट जीजा जो भी है। तो बाबू का डांस अगर आपको देखना है तो इसका इंस्टाग्राम हैंडल है मानस तिवारी के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील बनाता है और डांस तो ये बहुत अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने पूछा कि ये कहीं डांस स्कूल से मतलब सीखा हुआ है या कहीं जाता है, तो पता चला कि नहीं, ये जहाँ भी सीखने जाते हैं तो ये जो है अपने टीचर में ही कमी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही अपना डांस बनाते हैं और खुद ही करते हैं। तो आजकल के सोशल मीडिया के बच्चे हैं और देखिए कितने ही जो है ये टैलेंटेड हैं। तो इनके टैलेंट की मैं कितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बस इनके वायरल होने की देरी है। दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो ये भोजपुरी सुपरस्टार हैं और इनको भोजपुरी के गाने बहुत पसंद हैं, डांस वगैरह भी भोजपुरी के ही करते हैं ये, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये बच्चा है। तो पहली बार ये लोग जीजा जी से मिले हैं तो जीजा जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, सच में बहुत ही इंजॉय किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मज़ा आने वाला है। तो फिर उसके बाद हम लोग का खाना पीना हुआ और रात को सो गए, फिर कल जो है घूमने जाएंगे हम लोग, तो उसका वीडियो भी आएगा, तो चैनल से जुड़ जाइए। और फिर सुबह मिलते हैं, तो यहाँ पे खाना पीना होने के बाद ही हम लोगों का बहुत देर तक बातचीत भी हुआ लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही जो है डेली व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइए। इन बच्चों के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैं उनके लिंक आपको दे दूँगी, यूट्यूब चैनल भी है और जो है इंस्टाग्राम भी है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।